रथ सजा भेरिया घमक उठी गहगहा उठा अंबर विशाल। रथ सजा भेरिया घमक उठी गहगहा उठा अंबर विशाल। कूदा संदन पर गरज कर्ण क्यों उठे गरज क्रोधांत काल। बज उठे रोर कर पटह कंबूल लसित वीर कर उठे हु उच्छल सागर सा चला कर्ण को लिए क्षुब्ध सैनिक समूह। हेशारथा शौकी चक्र रोर दंतावल का वृनहिद अपार टंकार। धनुधर की भीषण दुर्मद रणशूरों की पुकार। खलमला उठा ऊपर खगोल कलमला उठा पृथ्वी का तन। खलमला उठा ऊपर खगोल कलमला उठा पृथ्वी का तन। सनसन कर उड़ने लगे विशिक झंझना उठी यसिया झंझन। तालोच तरंगा वृत विभुच्छ सा लहर उठा संगर समुद्र। या पहन ध्वंस की लपट लगा नाचने समर में स्वयं रुद्र। तालोच तरंगा विच विभुच्छ सा लहर उठा संगर समुद्र। या पहन ध्वंस की लपट लगा नाचने समर में स्वयं रुद्र। है कहां इंद्र देखे कितना प्रज्वलित मर्त जन होता। द्रुपति से छले हुए नर का कैसा प्रचंड रण होता है। अंगार वृष्टिपा धधक उठे जिस तरह शुष्क कानन का। तृढ़ सक्ता नरोक शस्त्री की गति पुंजित जैसे नवनीत मशीन। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद्ध मनुज का वश हो गई पांडवों की सेना। त्यों ही बाणों से बिद्ध विवश भागने लगे नरवीर छोड़ वह दिशा जिधर भी झुका कर्ण। भागे जिस तरह लवा का दल सामने देख रोशन सुपर्ण। रण में क्यों आए आज लोग मन ही मन में पछताते थे। दूर से देख कर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे। काटता हुआ रण विपिन क्षुब्ध राधे गरजता था क्षण क्षण। सुन सुन निनाद की चमक शत्रु का व्यूह लरजता था क्षण क्षण। अर की सेना को विकल देख बढ़ चला और कुछ समुत्साह कुछ असमुद्वेलित होकर उमड़ा भुज का सागर अथाह। गरजा आशंक हो कर्ण शल्य देखो कि आज क्या करता हूँ। कौंतेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक यहीं सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम दुंदुभी अवश्य जय की रण बीच बजा करके। इतने में कुटिल नियत प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज। इतने में कुटिल नियत प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज। टूटा कृतांत सा कर्ण कोक पर पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया। सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनिकल्प मृदुल काया। भागे वेरण को छोड़ कर्ण ने झपट दौड़ कर कहा ग्रीव। कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतीव। हाँ भीरु नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ। आगे की खातिर एक युक्त भी सरल बताए देता हूँ। है विप्र आप सेविये धर्म तरु तले कहीं निर्जन वन में। है विप्र आप सेविये धर्म तरु तले कहीं निर्जन वन में। क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी छात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए। जाइए नहीं फिर कभी गरुण की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानी में निमज्जित धर्मराज। सोचते कहेगा क्या मन में जाने या शूरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया। आमरण ग्लानी सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे नहाए कौंतेय कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए। प्राण गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल दिया। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल दिया। खड़क का छीन कर ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में। चेतना मई माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त। हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर देखता रहा सब शल्य। किंतु जब इसी तरह भागे पवितन बस होकर वह चकित कर्ण की ओर देख यह पुरुष वचन। रे सूत पुत्र किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है। मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या। मारेगा आर्यों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रण विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है। कायर अवश्य कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधे शल्य पार्थ की भीति उसको होगी। हंसकर बोला राधे शल्य पार्थ की भीति उसको होगी। छैमान छड़िक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस चार दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ। करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ।
पर ग्रास छीन अतिशय विभुच अपने इन बाणों के मुख से होकर प्रसन्न हंस देता हूँ। चंचल किस अंतर के सुख से, यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है, या व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सा धर्म निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या, ये लोभ मृत्यु का मैं जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। यह देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण, मृत्यु का छोड़ ऊपर नब में, मृत्यु का छोड़ ऊपर नब में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को, ये चार फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये चार फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के, ये चार फूल प्रच्छन्न दान है किसी महाबलिदानी के। ये चार फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी, ये चार फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं शल्य इसको, यह कर्तव्य नादानों का है, यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े हो जीते हैं। समझा न सत्य ही शल्य इसे बोला प्रलाप यह बंद करो, हिम्मत हो तो लो करो समर बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, लो वह देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व देख विद्युत शर्माई जाती है, क्या वेगवान है अश्व देख विद्युत शर्माई जाती है, आगे से ना छट रही घटा पीछे से छाई जाती है। राधेय काल यह पहुंच गया शायक संधान तोर्ण करो, थे विकल सदा जिसके हितवा लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छल उमंग पूरित उर पारावार हुआ, दम्भोलिनाद कर कर्ण कुपित अंतक साभी माकार हुआ। बोला विद ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिस लिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया, जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आवो हम दोनों विशिक वही पूजित हो जय जयकार करें, मर्मच्छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करें, मर्मच्छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करें। पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा, हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल आज निर्णय हमें कर लेना है, शत्रु का या कि अपना मस्तक काट कर यहीं धर देना है। कर्ण का देख या दर्भ पार्थ का दहक उठा रविकांत हृदय, बोला रे सारथ पुत्र किया तूने सत्य ही योग निश्चय, पर कौन रहेगा यहां बात यह अभी बताए देता हूं, धड़पर से तेरा शीश मोड़ ले अभी हटाए देता हूं। यह कह अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया, अपने जानते विपक्षी को हत ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल यह महाविशिक कर उठा काल सा अट्टहास, रण के सारे स्वर डूब गए छा गया निनस्से दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन या खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो अगर आन कर मुझ पर यह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल महीन इस तन को मृदुल कमल समझो, साधना दीप्त वक्षस्थल की अब भी दुर्भेद अचल समझो। अब लो मेरा उपहार यही यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा, जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह इस प्रकार राधे अधर को दबा रौद्रता में भर के, हुंकार उठा घातिका शक्ति विकराल शरासन पर धर के। समले जब तक भगवान नचाए इधर उधर किंचित चंदन, तब तक रथ में ही विकल विद्ध मूर्छित हो गिरा प्रथानंदन। कर्ण का देख यह समर शौर्य संगर में हाहाकार हुआ, सब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं मरण का तट छूकर हो उठा आचिर अर्जुन प्रबुद्ध, क्रोधान गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने दुरद युद्ध। प्राविट से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार, प्राविट से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार, तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मातंद सदिश उस ओर पार्थ अंतक समान, रण के मिसमानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझना एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध, अपलक होकर देखने लगी दोषित कंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं संवित कर सके, स्वयं सुरगढ़ भर गया अभिमानों से तिल तिल, कुरुभू पर कल कल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सास प्रकृति के निखिल रूप तन में गभीर, ऊपर स्तंभित दिन मणिका रथ नीचे नदियों का अचल नीर।
आह यह युग्म दो अद्भुत नरों का, महामद मत्त मानो कुंजरों का, निगुड़ के मर्तिमय अवतार ये दो, मनुकुल के सुभग श्रृंगार ये दो। परस्पर हो कहीं यदि एक पाते, ग्रहण कर शील की यदि टेक पाते, मनुजता को न क्या उत्थान मिलता, अनूठा क्या नहीं वरदान मिलता, अनूठा क्या नहीं वरदान मिलता। मनुज की जाति का पर शाप है यह, अभी बाकी हमारा पाप है यह, बड़े जो भी कुसुम कुछ फूलते हैं, अहंकृत में भ्रमित हो भूलते हैं, नहीं हिलमिल विपिन को प्यार करते, झगड़ कर विश्व का संहार करते, जगत को डाल कर निशेष दुख में, शरण पाते स्वयं भी काल मुख में, शरण पाते स्वयं भी काल मुख में। चलेगी वह जगह की क्रांति कब तक, रहेगी शक्ति वंचित शांति कब तक, मनुज मनुजत्व से कब तक लड़ेगा, अनल वीरत्व से कब तक झड़ेगा। विकृति जो प्राण में अंगार भरती, हमें रड़ के लिए लाचार करती, घटेगी तीव्र उसकी दाह कब तक, मिलेगी अन्य उसको राह कब तक। हलाहल का शमन हम खोजते हैं, मगर शायद भी मन हम खोजते हैं, बुझाते हैं दिवस में जो जहर हम, जगाते फूक उसको रात भर हम। क्रिया कुंचित विवेचन व्यस्त नरका, हृदय शत भीति से संत्रस्त नरका, महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बहरा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्तर गहरे सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर थे, जूझ रहे कौनते कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गभीर। दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विषक विष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तर्कस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विशुद्ध भुजगों का स्वामी हूँ, कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विशुद्ध भुजगों का स्वामी हूँ, जन्म से पात का शत्रु परम तेरा बहुविध हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा, धनुष पर चढ़ शरभ तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत संदन में मुझे सुलाने दे। करवमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, करवमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज मनुष्य से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं, छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुर ग्राम घरों में भी। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं, छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुर ग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पत कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए निस्सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह प्राण बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु सर्प नहीं, नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला तब हो, देशांत बिगाड़ू मैं सांपों की, जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारू मैं। जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता।